आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फाइव एम्प्लॉइज इन टिकटॉक दुबई ऑफिस, और विद इन टू ईयर्स हमने उस 5 के काउंट को 2000 किया था। हमने इतनी हायरिंग की थी, और वो 2000 लोग टिकटॉक में काम कर रहे थे उस वक्त। वो दुबई सिर्फ दुबई के ऑफिस की बात हो रही है। जब मैं इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि हम दुबई को हमेशा कहते हैं कि बहुत महंगा है और लग्जीरियस है, लेकिन दुबई ऐसे ही बदनाम है। दुबई तो महंगा है ही नहीं। आप आए जब लंदन या आप आए डबलिन तो आपको पता लगेगा सर महंगा ही है। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वाली भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं यार, योर प्रोफाइल वॉज इंटरेस्टिंग, और मैंने कहा कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैं जब से ये यूट्यूब पर आया हूँ, मेरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है मुझको, जो लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है ना, उसकी वजह से आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए आप बहुत आराम से अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पहले किसी ज़माने में कहते थे कि लोगों को ट्रैवलिंग करनी चाहिए, मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग से अभी भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को पुटअप करते हैं ना सोशल मीडिया पर, तो उससे जो फ़ायदा होता है ना, वो तो उससे बहुत सस्ता खर्चे में आपका बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी जो लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस जानने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी मुलाकात लिंक्डइन पर हुई थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यार तुम एक्स प्लेटफॉर्म पे काम करो एलॉन मस्क की कंपनी में, और पाकिस्तान में यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी समझना था। और देन आयरलैंड एक ऐसी जगह है जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की होगी इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी थोड़ा सा मुझे समझना था कि वो क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरह से प्रोसेस हुआ, और अभी क्या सिचुएशन है। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले, कहाँ से हो, क्या कर रहा था, पूरा अगर क्विकली 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे। जी जी बोलिए भाई। तो बेसिकली हम ओरिजिनली फ्रॉम कराची, कराची से स्टार्ट किया, बैचलर्स किया सर सैयद से, उसके बाद मास्टर्स किया फास्ट से, उसके बाद डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया। बेसिकली काम स्टार्ट वहाँ से हुआ जब पुराना ज़माना था गूगल एडसेंस का, जब वेबसाइट पे एड्स चलाना वाज द मेन थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन, और कुछ अपनी वेबसाइट्स बनाई उन पर गूगल एडसेंस से पैसे बनाने शुरू किए, तो वहाँ से बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का जो दरवाज़ा था वो खुला हमारे लिए। और वहाँ से मैं SEO में घुसा, और SEO करते करते ओवरऑल उसके जो डिफरेंट डोर्स हैं PPC का, सोशल मीडिया का, उसके अंदर घुसा, और जो पहली जॉब थी बेसिकली वो भी SEO की ही थी कराची में। वहाँ पे 4-5 साल कराची में काम करते रहे डिफरेंट कंपनीज में, SEO और SEM जो सर्च इंजन मार्केटिंग होती है उससे। फिर तकरीबन 2014-15 में मैं दुबई आ गया था एक डिजिटल एजेंसी के लिए काम करने के लिए। उनके लिए बेसिकली फ्रीलांस काम बहुत होता था उस ज़माने में, अभी भी होता है लेकिन मैं नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अब हाईटेक के साथ एसोसिएटेड हूँ तो इट्स नॉट अलाउड, लेकिन उस ज़माने में फ्रीलांस बहुत ज़्यादा करता था। तो एक एजेंसी थी जो दुबई बेस्ड थी, लेकिन वो कराची में काम आउटसोर्स करते थे, तो उनके लिए मैं काफ़ी सारा काम कराची से बैठ के कर रहा था। तो इवेंचुअली उन्हीं को ही मैंने ज्वाइन किया जाके एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई, और उनके साथ फिर 2 साल दुबई में काम किया। उसके बाद एक और एजेंसी में मूव हुए जो डिजिटल एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को दुबई के अंदर। उसके बाद जो करियर का टर्निंग पॉइंट आया था वो बेसिकली अलिफ, जब मैंने ज्वाइन किया अराउंड 2017, जो कि रीसेलर है ट्विटर का इन मीना रीजन, वहाँ से बेसिकली जो हाई टेक की एंट्री हुई थी मेरी। उसके बाद उस रीसेलर के लिए काम करते करते फिर टिकटॉक ज्वाइन किया अराउंड 2018-2019, वहाँ पे 3 साल काम किया। उसके बाद बेसिकली मैं आयरलैंड मूव हुआ अराउंड 2022 एक नई जॉब पे, जो कि डायरेक्टली ट्विटर की जॉब है, जो बेसिकली नाउ इट्स नाउ एक्स। ओके यार, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था इसके अंदर समझने में कि ये डिजिटल एजेंसीज करती क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बहुत नाम सुनते हैं आजकल। मेरा थोड़ा बहुत रिलेशन है तो इस फील्ड से, लेकिन क्योंकि तुम्हारा तो बड़ा फोकस किस्म का काम ही यही था, तो एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स को डिफरेंट सर्विसेज डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करना काम होता है। इसकी जो डोमेन है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ आती है। उसके अंदर SEO आती है, जो ऑर्गेनिकली एक वेबसाइट को प्रमोट करके ऊपर लाना, उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना कि सर्च इंजन पे जब आप एक कीवर्ड डालें तो उस कीवर्ड की बेसिस पे वो वेबसाइट ऊपर आए, वो वाली सर्विस SEO की जो सर्विस है वो हम प्रोवाइड करते थे। SEM की सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप एक कीवर्ड पे आना तो चाहते हो ऊपर, लेकिन आपके पास ऑप्टिमाइज करना और टाइम नहीं है उतना जितना SEO को चाहिए होता है अपनी वेबसाइट को ऊपर, आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए आप फौरन रिजल्ट चाहते हैं, तो उस केस में हम SEM या PPC भी उसको कहते थे, पे पर क्लिक, वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उसके लिए एजेंसीज डिफरेंट अमाउंट चार्ज करती हैं, कोई फ्लैट फी पे काम करती हैं, कोई मार्जिन पे काम करती हैं,
उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई थी जब 2014-15 के ज़माने में, तो सोशल मीडिया का जो सेल था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे ब्रांड जो है अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव करने के लिए सर्विसेज हायर कर रहे थे एजेंसीज की। अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें जो है कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो डिजिटल एजेंसीज भी हैं जो कि कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं और अब कंटेंट एजेंसीज अलग से आ गई हैं, तो उनका काम सिर्फ ये है कि ब्रांड्स को या इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट बना के देना और उनको हेल्प करना प्रोडक्शन के अंदर। तो ये सब जो है ये डिजिटल मार्केटिंग की ही डोमेन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स हैं। अब ऐसा भी है कि SEO की स्पेसिफिक एजेंसीज हैं, PPC की अलग स्पेसिफिक एजेंसीज हैं, वेब डिज़ाइन एजेंसीज जो हैं जो वेबसाइट्स डिज़ाइन करती हैं क्लाइंट्स के लिए, वो भी इसी डोमेन में बेसिकली आती हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरी पहली जॉब थी दुबई में, उस एजेंसी में जो मेरा काम था वो सिर्फ SEO या PPC नहीं था, मैं उनकी वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी वो भी करता था, क्योंकि छोटी एजेंसीज होती हैं, वो छोटा सेटअप होता है, तो उसमें आप जो है बहुत डाइवर्स काम कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं जब यंगस्टर से बात करता हूँ तो मैं उनको यही एडवाइस कर रहा होता हूँ कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट करना है तो वो एजेंसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि एजेंसी में अभी जैसे मैं हाईटेक में बैठा हुआ हूँ तो मैं एक बहुत स्पेसिफिक काम करता हूँ, मैं बहुत मेरा एक बहुत स्पेसिफिक डोमेन है, मैं उसमें काम करता हूँ और बाकी क्रॉस फंक्शनल सपोर्ट मुझे मिलती है जिसके थ्रू मेरा काम होता है, मुझे और कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप एजेंसी में काम कर रहे होते हो तो आप बेसिकली सब कुछ कर रहे होते हो, आपको आपका काम SEO है लेकिन आप वेबसाइट डिज़ाइन की भी बातें कर रहे हो और आप किसी क्लाइंट को जाके जो है वेबसाइट का लोगो भी बेच रहे हो, तो वो आपको जो लर्निंग देता है वो लर्निंग आपको कहीं और नहीं मिलती। इसीलिए एडवाइस हमेशा यही रहती है कि स्टार्ट ऑफ द करियर शुड बी फ्रॉम एन एजेंसी, उसके बाद आप अपने अपना स्पेसिफिक डोमेन पकड़ के उसमें एक्सेल करो, लेकिन जो एजेंसी की जो लाइफ है वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। आई थिंक वही मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी शुरू में, जो लॉन्ग आवर्स काम किए, एजेंसीज में काम किया, छोटे सेटअप में बड़ा काम किया, वो आई थिंक लॉन्ग रन में मुझे बहुत फायदा दे गया। राइट, तो अभी एज ऑफ नाउ एक्स प्लेटफॉर्म पे काम करो, ट्विटर जिसे कहते थे, एक्स में डायरेक्ट काम करो? एक्स में डायरेक्ट काम कर रहा हूं। ओके, तो इनका जो हेड ऑफिस है हम लोग यहां से डबलिन से बैठ के बेसिकली पूरे EU को देखते हैं, तो यहां पे बेसिकली मैं काम कर रहा हूं। सिर्फ EU को देखते हैं या मिडिल ईस्ट को भी देखते हैं? नहीं, मिडिल ईस्ट का अपना ऑफिस है दुबई में, ट्विटर का एक्स का अपना सेटअप भी है और वहाँ पे एक रीसेलर भी काम करता है, तो वहाँ पे एक हाइब्रिड सिस्टम हमने चलाया हुआ है, वो बिल्कुल सेटअप है यहाँ से, यहाँ वो बिल्कुल सेपरेट है, हमारा जो एरिया जो रीजन कहलाता है वो EMEA का रीजन कहलाता है। ओके, सही। तो जब इंटरेस्टिंगली तुमने कहा टिकटॉक में भी काम किया है, टिकटॉक तो वो टिकटॉक के किसी एजेंसी के लिए काम किया टिकटॉक के साथ या टिकटॉक एज अ कंपनी उसके अंदर काम किया? नहीं नहीं, टिकटॉक में डायरेक्टली काम किया 2017 में इन्होंने लॉन्च किया था दुबई का ऑफिस और मैं उस वक्त ट्विटर के रीसेलर के लिए काम करता था। मेरा मैनेजर मूव हुआ टिकटॉक, उसने मुझे कॉल किया, मैं उसको फॉलो करते करते मैंने रीसेलर को छोड़ा और मैं टिकटॉक में डायरेक्टली चला गया। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 5 एम्प्लॉइज इन टिकटॉक दुबई ऑफिस और विद इन 2 ईयर्स हमने उस 5 के अकाउंट को 2000 किया था, हमने इतनी हायरिंग की थी और वो 2000 लोग टिकटॉक में काम कर रहे थे उस वक्त, वो दुबई सिर्फ दुबई के ऑफिस की बात हो रही है और ये हायरिंग हुई थी पीक कोविड के जमाने में 2019-20 के जमाने में। मेरी अपनी हायरिंग भी कोविड के जमाने में हुई थी, मैं ऑफिस कभी नहीं गया, घर पे बैठ के ही काम करते रहे, लेकिन उसी घर के बैठ के काम करने में हमने 2000 लोग कर लिए थे 2020-21 के एंड तक, जब तक 22 तक जब तक मैं वहां पे था, और मैसिव हायरिंग की टिकटॉक ने, वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ दिखाई, जिस तरह से जो उनके फोकस एरियाज थे, जो भी क्रीम दुबई में मौजूद थी टैक की और डिजिटल की, वो सारी टिकटॉक ने उठा ली थी, फेसबुक के लोग हों या ट्विटर के लोग हों या गूगल के लोग हों, सब टिकटॉक ने उठा लिए थे। और उनका जो मोटो था, जो पर्पस था, वो ये था कि हम फेसबुक को या गूगल को अभी जो है अपने सिस्टम से बीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें सर्विसेज से बीट करेंगे, हम इतनी सर्विस देंगे और हम जैसे एक रूम में एक अकाउंट मैनेजर होना चाहिए वहाँ हम 3 भेजेंगे, ऐसी सर्विस एडवर्टाइजर को देंगे कि वो सारे बजट हमारे पास मूव कर देगा। ये मोटो, ये माइंडसेट था टिकटॉक का और इसीलिए इतनी मैसिव हायरिंग हुई थी वहाँ पर। तो वो फैसिलिटेट भी कर रहे होंगे ना, जैसे अगर कोई किसी को कॉन्टेंट बनवाना है और एडवर्टाइज करना है तो उसको कम्प्लीटली फैसिलिटेट कर रहे होंगे ताकि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, और क्योंकि नया प्लेटफॉर्म भी था ना वर्टिकल के अंदर, तो इंस्टाग्राम ही था मेरे ख्याल से और तो कुछ भी नहीं था जिसके अंदर वर्टिकल काम होता, तो वो टिकटॉक नया ही था। टिकटॉक का फुल फोकस जो है वो क्रिएटर्स के ऊपर था, वो जो है वो क्रिएटर्स को लेके आ रहे थे, उनको इंसेंटिवाइज कर रहे थे और उनको इतने अच्छे सिस्टम्स बना के दे रहे थे कि वो थोड़ी सी भी मेहनत करें अगर क्रिएटर, तो उनको इतना अच्छा बूस्ट मिलता था,
कि वो बाकी सब भूल जाते थे, वो इंस्टाग्राम भी भूल जाते थे, वो यूट्यूब भी भूल जाते थे, वो बोलते थे यार ये प्लेटफॉर्म जो है इस पे जो रीच मिल रही है हमें, हम बात नहीं कर रहे कि वो कमा कितने रहते, हम ये बात कर रहे हैं कि उनको लाइक्स और व्यूज ही इतने मिल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि बाकी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे फोकस करो। और आपने देखा कि यूट्यूब पे भी वो वीडियोस शेयर होनी शुरू हो गई जिन पे टिकटॉक का लोगो आया था, कि वो पहले बेसिकली कंटेंट टिकटॉक फर्स्ट हुआ उसके बाद वो कहीं और शेयर हुआ। तो ये ट्रेंड चल गया था 2020-21 की बात है। तो टिकटॉक ने जो है और उसके बाद उन्होंने जो प्लेटफॉर्म अपना बनाया एड्स का, वो भी इंतहाई यूजर फ्रेंडली बनाया, एडवर्टाइजर्स के लिए इंतहाई सिंपल कर दिया। बेसिकली जो भी अच्छी चीजें थी गूगल की फेसबुक की वो सारी लेके उन्होंने अपने सिस्टम में डाल दी, और दे मेड श्योर कि एडवर्टाइजर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि ये नया प्लेटफॉर्म है इसको टेस्ट कैसे करना है, लर्निंग कर्व उन्होंने इतना मिनिमाइज कर दिया कि ऐसा लगा कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है सिस्टम में। तो ये सब, और ऑब्वियसली उनकी जो इंजीनियरिंग थी वो सारी चाइना में बैठती थी, तो और उन्होंने बहुत मेरे हिसाब से बहुत स्मार्टली काम किया था, और क्योंकि प्लेटफॉर्म भी अच्छा था, जो क्रिएटर्स थे वो सारे उस पर आ गए थे, तो आई थिंक जो बूम टिकटॉक को मिला है उस वक्त में वो जस्टिफाइड भी था और उसके पीछे एक मेथड था। राइट, तो फिर उसके बाद टिकटॉक 2 साल काम किया था, 2.5 साल, पौने 3 साल। अच्छा, ओके, एंड देन उसके बाद ये आयरलैंड का जो जर्नी थी वो कैसे थी? अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हों, यूरोप में हों, यूएई में हों, कहीं भी हों, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं, रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 dirhams, $10, £10 या €10 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना, मैंने आपकी दूसरी भी वीडियोज देखी हैं, जैसे मेरा माइंडसेट जब मैं दुबई में था तो मैं बड़ा वेल सेटल्ड था, आपको भी अंदाजा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो दुबई में सेटल्ड हो जाते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि अब यहीं रहना है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। मैंने इमिग्रेशन के लिए कभी कहीं भी अप्लाई नहीं किया, ना यूके, ना ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमेरिका, कभी भी कहीं भी अप्लाई नहीं किया। मैं बैठा हुआ था आराम से, हाँ ये जहन में था क्योंकि मैं टेक में हूँ, मैं टिकटॉक के लिए काम कर रहा हूँ या मैं रीसेलर साइट पर था इससे पहले, तो अगर मुझे जॉब की बेसिस पे कहीं जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। तो इत्तेफाक से वही हुआ और मुझे एक जॉब ऑफर आ गई ट्विटर में, उस वक्त एक खास पोजीशन निकली जिधर मेरा एक्सपीरियंस स्पेसिफिक था, बहुत बहुत ज़्यादा लेजर टारगेटेड था, और जब वो अपॉर्चुनिटी आई और ये भी पता लग गया था कि एक्विजिशन होने वाली है और एलॉन मस्क आने वाला है, तो थोड़ा सा उसमें बूम आने का और टेस्ला और वो सारा एक्सपीरियंस देख के मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना पर्सनल भी बन गया, और फिर ये सोचा कि ठीक है हम दुबई में सेटल तो हैं लेकिन अगर पासपोर्ट लेने के लिए कहीं और जाया जा सकता है 5 साल के लिए तो वाई नॉट। तो फिर वो एक एक्सपीरियंस भी गेन करना था, यूरोप की मार्केट भी देखनी थी, और फिर अगर इन द एंड आप पासपोर्ट लेके होपफुली वापस आओगे तो इसमें विन विन है, इसमें कहीं भी लूज नहीं होगे। तो आई थिंक वही मैंने किया था। और दुबई में जब हम थे तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं टिकटॉक में काम कर रहा था या जब उससे पहले काम कर रहा था तो एक पीक होती है डिजिटल की, और स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम आर ओरिजन, क्योंकि हम लेबनीज नहीं है, हम अरेबिक स्पीकिंग नहीं है, और थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रोफाइल को देख के मैं पीक पे था उस वक्त, जिस प्रोफाइल में था मैं और जिस तरह से हमने हायरिंग की थी टिकटॉक में, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी रीजन चेंज करके किसी और मार्केट के एक्सपीरियंस लेके वापस आना चाहिए, और ये जो यूरोप का एक्सपीरियंस है ये मेरी प्रोफाइल को चेंज कर देगा व्हेन आई डिसाइड टू गो बैक इवेंचुअली। लेकिन हाँ वो रिस्की था वो पता था कि आई एम गोइंग इनटू अ रिस्की सिचुएशन लेकिन मुझे कुछ बहुत हायर अप से ऐसी गारंटीज थी कि जो रोल, जिस रोल में मैं जा रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म रोल है, अगर मैनेजमेंट चेंज भी होती है तो भी ये रोल स्पेसिफिक रहेगा। और दूसरा ये कि डब्लिन की जो मार्केट थी वो ऐसी थी कि अगर एक जॉब जाती है तो टेक में दूसरी जॉब मौजूद है, वो सिचुएशन बाद में बदली,
लेकिन उस वक्त डबलिन की मार्केट ऐसी नहीं थी जिस वक्त मैं मूव हुआ, तो उस वक्त थोड़ी सी सर्टेनिटी जहन में ये भी थी कि अगर तो जॉब जाती भी है तो दूसरी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होंगी, विल मूव। और दूसरा टिकटॉक भी था डबलिन में, तो वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट थे उनको टेक्निकली ऑलरेडी रेडी रखा हुआ था कि कोई मिस होता है तो डबलिन के ऑफिस में जाएंगे। सही। तो इसके अंदर अगर बात करें कि ऑफर लेटर आया होगा वहाँ से एक्स प्लेटफॉर्म या ट्विटर से उस टाइम पर, तो फिर इमिग्रेशन और वर्क परमिट का प्रोसेस कितना टाइम लगा था? वर्क परमिट का प्रोसेस जो है वो 3 से 4 महीने लगे थे, और वो भी 3 से 4 महीने नहीं लगते हैं, 2 महीने तक लगते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इसलिए 3 से 4 महीने का हो गया था क्योंकि बीच में एक पॉज आ गया था, क्योंकि वो जब एक्विजिशन चल रही थी तो वो बेसिकली ट्विटर वाले भी श्योर नहीं थे कि दे शुड प्रोसीड और नॉट। लेकिन मैक्सिमम जो प्रोसेस लगा था वो 4 मंथ्स का लगा था। बेसिकली उसका प्रोसेस ऐसे होता है कि आपका एक वर्क परमिट निकलता है, जैसे दुबई में होता है, बेसिकली आपका एक वर्क परमिट निकलता है, फिर उस वर्क परमिट की बेस पे आप वीजा अप्लाई करते हो और वो वीजा स्टैम्प होके आपका और आपकी वाइफ का आ जाता है, और फिर जो आपके अच्छा फैमिली का एक साथ लगता है उस टाइम, सबका एक साथ लगा था। ये इसीलिए हुआ था, आई मेड श्योर कि क्रिटिकल स्किल्स का परमिट मेरा निकले। क्रिटिकल स्किल्स के परमिट में आप फैमिली को साथ लेके जाते हो, अगर तो वो जनरल परमिट होता है तो उसमें आप साथ नहीं लेके जा सकते, आपको बाद में फैमिली रियूनियन का वीजा प्रोसेस करा के उनको बुलाना पड़ता। तो वो मेरे लिए एक बेसिकली नो नेगोशिएशन थी कि मैंने जो है फैमिली को साथ ही मूव करना था, वरना तो शायद वो मैं प्रोसीड ही नहीं करता उसमें। तो आई मेड श्योर कि वो जो परमिट निकालें वो क्रिटिकल स्किल्स का ही निकालें और फैमिली साथ ही मूव हो, वरना तो कोई बात, वरना तो कोई लॉजिक नहीं बनती उस वक्त जो सिचुएशन थी। और नॉर्मली मैंने देखा है कि जब दुबई से आप मूव करते हैं खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़, तो आप अपनी सैलरी में हिट लेते हैं आफ्टर टैक्स, तो था वो ऐसा हिट या कोई इतना मसला नहीं था? नहीं, सैलरी में ऐसा सच हिट नहीं था इन टर्म्स ऑफ आप अगर डायरेक्ट कन्वर्जन करें, लेकिन फिर आप उसमें टैक्स काटते हैं 40-40। हाँ, मैं वही हूँ, फिर तो वो बहुत बड़ी हिट है। तो अगर आप कंपेयर करें मेरी टेक होम इनकम दुबई में क्या थी वर्सेज अभी क्या है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो इवेंचुअली मुझे पासपोर्ट दिलाएगी या मुझे वो एक्सपीरियंस दिलाएगी जिस एक्सपीरियंस के लिए मैं आया हूँ, और फिर इवेंचुअली होपफुली ट्राई टू मूव बैक और व्हाटएवर द नेक्स्ट मूव वुड बी। राइट। तो अभी मतलब दो ढाई साल से जो एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वाला एक्सपीरियंस नहीं चल रहा है, कोई और काम हो रहा है? अच्छा, थोड़ा सा मेरा रोल अभी चेंज हो गया है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करते करते अब डिजिटल मार्केटिंग की सेल्स में आ गया हूँ, तो अच्छा। मैं अब डायरेक्टली मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ ब्रांड्स के लिए। हाँ, मैं ट्विटर के प्लेटफॉर्म को, एक्स के प्लेटफॉर्म को या टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को इन प्रीवियस रोल बेच रहा हूँ एडवर्टाइजर्स को, ताकि वो यूज करें डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो आई एम मोर इन सेल्स देन डिजिटल मार्केटिंग नाउ। यार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें पूछना, क्योंकि ट्विटर बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है अपने आप को। मुझे इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें करनी है, लेकिन पहले मैं इस पे बात दोबारा से करता हूँ कि क्योंकि इलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा उसको पुश कर रहा है कि हमको एड्स मिलने चाहिए ट्विटर के ऊपर, और इवन वो तो यूट्यूब को भी टक्कर दे रहा है कि वीडियो पे लाना चाह रहा है ट्विटर को कि सारी वीडियोज़ उसको अपलोड करें। तो मतलब इसके पास स्ट्रैटेजी क्या है इसकी ट्विटर की, कि क्योंकि मसला क्या है कि अब मैं अगर ट्विटर को देखता हूँ ना, तो मुझे रीच भी मिल रही होती है, वीडियोस डाल भी सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ब्लू टिक नहीं होता तो मुझे लगता है कि रीच उस तरह से नहीं मिलती है। प्लस ये कि अगर वो कहते हैं कि भाई मोनेटाइज हो रहा है, तो मोनेटाइज यूट्यूब पे तो बगैर किसी वेरिफिकेशन के मोनेटाइज्ड है ना वहाँ पर, तो अगर मेरे ख्याल से अगर वो उसको लेट से बगैर किसी ब्लू टिक के लेट से कंडीशन के आपकी वीडियो अपलोड करने के बाद उसको वो मोनेटाइज कर दे, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कम्पेयर टू के वो पहले वो कहता है कि $8 पर मंथ दें, बल्कि वो तो दुबई में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उसके बाद फिर वो मोनेटाइजेशन पे जाते हैं। तो ये इसका क्या थ्योरी है, कोई आइडिया है इसका? असल में ये नया है, असल में ये जो भी चेंजेस हुई हैं, और अभी काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं, एक प्लान नहीं था, 2-3 प्लान वन आफ्टर अनदर चेंज हुआ और कैंसिल हुआ। जो अभी जो प्लान है वो ये है कि $8 पर मंथ आप दो, और उसके बाद आपको एक तरह का बूस्ट मिलता है और आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाती है। पहले ये फिर भी मैं समझता हूँ कि पहले से बेहतर है। पहले जो होता था वो पर्सनल वेरिफिकेशन होती थी, एक वेरिफिकेशन टीम बैठती थी और वो चेक करती थी कि आपको ब्लू टिक मिलना चाहिए या नहीं, वो बहुत सब्जेक्टिव होता था।
और वो ज्यादातर जो है आपको आपकी प्रोफाइल या आपके बैकग्राउंड को देख के होता था, अगर आप ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी हो तभी मिलता था। अब ये है कि उसने थोड़ा सा वास्ट कर दिया और लोगों के लिए ओपन कर दिया कि इफ यू आर विलिंग टू पे तो हम वेरीफाई करेंगे कि आप जेन्युइन पर्सन हो, बॉट नहीं हो, और हम आपको ब्लूटिक दे दें। जो मोनेटाइजेशन का चक्कर है वो बहुत नया है और आप उसको किसी भी तौर पर कंपेयर नहीं कर सकते अभी यूट्यूब से, जो है जो नंबर ऑफ मोनेटाइज यूजर्स हैं और जो नंबर ऑफ क्रिएटर्स हैं वो सब बहुत कम है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन जो इसका जो मूव है वो ये है कि ये ट्विटर को या एक्स को एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म से वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है और उसके लिए इसने अभी वर्टिकल वीडियो एड्स और वर्टिकल वीडियोज शुरू किए हैं। विदाउट गोइंग इन टू टू मच डिटेल, जो है वीडियोज जो है वो फोकस होंगी मूविंग फॉरवर्ड ट्विटर के ऊपर कंपेयर टू टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट। टेक्स्ट बेस्ड होगा लेकिन वीडियो भी एक इंटीग्रल पार्ट होगा जो कि पहले जीरो था। ट्विटर वॉज ऑलवेज 140 कैरेक्टर्स, 140 कैरेक्टर्स ट्वीट्स, राइट, बट नाउ इट इज चेंजिंग। तो जो है इवेंचुअली जो डायरेक्शन है वो ये है कि क्रिएटर्स को लाए। आपने देखा होगा मिस्टर बीस की एक वीडियो इसने डलवा दी थी और उसको बूस्ट भी करा दिया था, उस पर उसके मिलियंस में उसके उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वो करी इसलिए रहा है कि जो क्रिएटर्स हैं वो देखें पावर को। हाँ, अभी वो पावर उतनी नहीं है और वो होगी भी नहीं, उसका उसके लिए देखा जाता है जो आपके मंथली एक्टिव यूजर्स होते हैं वो ऑब्वियसली वो कम है। अभी किसी भी मार्केट में हम यूट्यूब को कम्पीट नहीं कर रहे, बहुत स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो वही है जो यूट्यूब की है या इंस्टाग्राम की है या टिकटॉक की है। और अभी क्योंकि हुआ ये स्टार्टिंग में कि आपने जब $8 पर मंथ की वेरिफिकेशन लगा दी तो बहुत सारे बॉट्स भी आ गए, उनको उन्होंने $8 पर मंथ पे करके अपनी वीडियोस बूस्ट करनी शुरू कर दी और वो एक वेरीफाइड यूजर के तौर पे आ गए। और यही प्रॉब्लम है एडवर्टाइजर्स को भी कि वो बोलते हैं कि ये यूजर्स जो है जो बॉट्स हैं वो पे करके जो है वेरीफाई बन के इंटरेक्ट करते हैं ब्रांड्स के साथ। तो उसको रोकने के लिए भी थोड़ा सा उसने चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है कि आप मोनेटाइज करने से पहले कुछ वो टाइम देता है या कुछ इंप्रेशंस होने चाहिए, नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, वो हर कंट्री में अलग है बेसिकली। तो वो जो चेक एंड बैलेंस है वो है ही इसलिए कि जो बॉट्स हैं या जो जो बैड एक्टर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रोका जा सके। राइट राइट, जबरदस्त। अच्छा, अब अगर आए उसके ऊपर, तुमको वीज़ा मिल गया था और पूरी फैमिली को वीज़ा मिल गया था, इस वीज़े की क्या कंडीशंस होती हैं? मतलब आप इस पे आके उसी एम्प्लॉयर के ऊपर काम कर सकते हैं या आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं? क्या स्टेटस है और क्या पाथवे है टुवर्ड्स अ पासपोर्ट? आयरलैंड में बेसिकली आप जब वीज़ा पे आते हो क्रिटिकल स्किल्स पे या जनरल वर्क परमिट पे तो आप एम्प्लॉय के वर्क परमिट पे होते हो। तो अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो आप जॉब चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर आपको दूसरी जॉब चाहिए होगी जो आपको वर्क परमिट अलाउ करे। ये कहानी है पहले 2 साल की, पहले 2 साल क्रिटिकल स्किल्स की बात हो रही है। 2 साल के अंदर आपको जॉब के ऊपर ही रहना है और उस आइडियली तो आप उसी जॉब को कंटिन्यू करो। अगर आप चेंज करोगे तो आपको ऐसी ही जॉब ढूंढनी है जो क्रिटिकल स्किल्स का परमिट आपको निकाल के दे, जो कि मुश्किल हो जाता है अक्सर, और स्पेशली इन दिस कंडीशन जब टेक में और ओवरऑल ये एक बेसिकली कोलैप्स का की कंडीशन चल रही है जॉब मार्केट में। तो इस सिचुएशन इस पे तो मैं बात करता हूँ कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है जिस तरह तुमने कहा अभी, उस उतनी क्रिटिकल है टेक के ऊपर जिस तरह हमने लास्ट ईयर काफ़ी ले ऑफ देखे थे, लेकिन अभी तो इतने इस साल मैंने नहीं, इस साल भी देखे हैं लेकिन अभी रिसेंटली मैंने नहीं देखे। मुझे नहीं पता कि इंटरनल क्या सिचुएशन चल रही है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी इसी को कंटिन्यू करो जरा। हाँ, तो जो है आपकी जो कंडीशन है इस वक्त जो मार्केट की है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आइडियली तो आप उसी जॉब को कंटिन्यू करोगे, लेकिन आप 2 साल के बाद आपको आयरलैंड एक स्टैम्प 4 का वीजा देता है। स्टैम्प 4 का जो वीजा है वो बेसिकली इक्विवेलेंट है टू द PR ऑफ UK, जो कि आपको UK में 5 साल के बाद मिलता है, वो चीज आपको आयरलैंड में 2 साल के बाद मिल जाती है। उसके बाद आप जॉब चेंज करो तो आपको कोई परमिट नहीं चाहिए, आप बस जाओ नई नई कंपनी से जॉब ऑफर लो और इधर रिजाइन करके आप जाके वहां पे ज्वाइन कर दो, तो आप जॉब पे बाउंड नहीं होते। और दूसरा ये कि वो जो पहले 2 साल है उसके बाद स्टैम्प 4 पे जो 3 साल है ये टोटल 5 साल मिला के 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे और आपका पासपोर्ट 6 महीने से साल का प्रोसेस है और वो आ जाता है। मैंने जितनी भी रिसर्च की उस हिसाब से ये जो 2 साल के बाद स्टैम्प 4 मिलता है आयरलैंड में ये कहीं और दुनिया में नहीं मिलता। हाँ, कैनेडा में भी 3 साल का है। हाँ, इस तरह की चीज इतनी जल्दी कहीं भी नहीं हो रही, और इसी चीज को मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूँ यहाँ पे कि मुझे 2 साल के बाद वो मिल जाएगा, उसके बाद अगर मुझे जॉब चेंज करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूँ और अपने 5 साल पूरे कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम ट्विटर में होती भी है तो। ये अगर यही अगर UK होता
तो मुझे 5 साल वेट करना पड़ता है। और मैं क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड फ्रीलांस की तरफ भी रहता है, कुछ अपना अपना करने की तरफ भी रहता है, तो अगर मैं कल को वो सोचना चाहता हूँ तो मुझे जॉब की जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे पास स्टैम्प 4 है तो मैं इजीली जाऊंगा और अपनी एक कंपनी रजिस्टर करके आयरलैंड में या यूके में अपना काम शुरू कर सकता हूँ या फ्रीलांस सर्विसेज देना शुरू कर सकता हूँ। तो कितना आसान है जॉब मतलब मिलना अब अभी? चलो अभी तो खैर जैसे टेक की ले ऑफ की बात करें वो तो बाद में करते हैं, लेकिन कितना आसान था उस वक्त जॉब मिलना किसी को भी अप्लाई करने के बाद? नहीं, डबलिन में हमेशा से ये कहा गया है कि टेक की जॉब्स हैं वो इजी होती नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दो कि डबलिन क्यों इजी है टेक कंपनीज के लिए वहां पर। डबलिन में मोस्टली जो ईयू के हेडक्वार्टर्स हैं वो बेस करते हैं सारी कंपनीज के, ट्विटर का भी है, फेसबुक का भी है, गूगल का भी है, जो ईयू भी नहीं पूरा ईमिया। इसीलिए अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखें तो वो थाउजेंड्स में है हर कंपनी के, इवन गूगल के तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है। तो जो इतनी बड़ी जो मास सेटिंग उन्होंने बनाई हुई है इसी वजह से जॉब्स भी ज्यादा निकलती हैं। और अगर किसी ने स्पेन में फॉर एग्जांपल काम करना है, स्पेन की कोई मार्केट है, तो वो स्पेन में नहीं बैठते, वो डबलिन में ही बैठते हैं और यहाँ से फ्लाई इन फ्लाई आउट का मॉडल चलता है। और वो क्योंकि फ्लाइट भी 1 घंटे की है तो वो आराम से जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और वापस आते हैं, लेकिन बेस करते हैं डबलिन को, क्योंकि जो टेक की कंपनीज हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। डबलिन एक अच्छी जगह है टैक्स वाइज बिजनेसेस के लिए, एम्प्लॉयज के लिए तो वो जाहिर है वो एक आई थिंक इट्स इक्विवेलेंट टू यूके, कनाडा, यूएस, जहाँ पे 40-45% कॉर्पोरेट टैक्स का जो है ना फायदा है वहाँ पर। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट वाइज टेक कंपनीज को यहाँ पे फायदा होता है, इसीलिए उन्होंने अपने हब्स भी यहाँ पे बनाए हुए और हजारों में एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए जॉब्स भी ज्यादा निकलती है। इवन इन इस कंडीशन में भी जब हम कह रहे हैं कि बहुत बुरी मार्केट है और ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जॉब बोर्ड्स देखो तो उधर जॉब्स हैं अभी भी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे लोग ले ऑफ हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, तो वो जो जॉब्स हैं जैसे ही जॉब पोस्ट होती है तो उधर हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं विद इन एन आवर। और वो होते इसलिए हैं कि यहाँ पे जो लोग थे हजारों की तादाद में वो आए थे जॉब्स पे ही और अब वो आउट ऑफ जॉब हैं किसी वजह से। तो यार ये इतना मतलब मुझे तो, मैं जितने लोगों को जानता हूँ यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूरोप के अंदर जर्मनी, नेदरलैंड, नॉर्वे, लेकिन मुझे आयरलैंड के तो वाहिद बंदे तुम मिलो, ऐसा क्यों है? या आई थिंक यहाँ पे जो मेन रीजन है वो ये है कि यहाँ पे इमिग्रेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की है। तो लोग जो है वो इमिग्रेशन का प्रोसेस क्योंकि नहीं है तो वो उस तरह से अप्लाई नहीं करते, कोई एक्सप्रेस एंट्री नहीं है, कोई फ्रीलांस वीजा अप्लाई नहीं होते, सिर्फ जॉब की बेसिस पे ही होती है। और जॉब की बेसिस पे भी जो हमारे ओरिजिन से लोग हैं वो कम आते हैं, यहाँ के यूरोपियन ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर जैसे दुबई में फॉर एग्जांपल हायरिंग इंडिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा होती है, यहाँ पे उतनी नहीं होती क्योंकि उनके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस करके इंटर्न एक्सप्रेस वो जो आपका क्रिटिकल स्किल्स का परमिट है वो निकालना है, उनको बुलाना है। यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो स्पेनिश बंदा, स्पेनिश बोलता हुआ इटालियन बंदा और डच बंदा आराम से उठा के वो ला सकते हैं डबलिन में। और इसीलिए जो मेजोरिटी है वो ज्यादातर यूरोपियंस की ही है यहाँ पे, इंडियन और पाकिस्तानी। अभी भी पाकिस्तानी तो बहुत ही कम है, इंडियंस फिर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो टेक में अच्छे हैं, डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो इंडिया से फिर भी काफी लोग आते हैं। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से तो अभी भी बहुत कम तादाद है, इसीलिए आप ज्यादा सुनते भी नहीं होंगे। राइट, मेक सेंस। अच्छा, इसके अंदर तो इमिग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर सच, अगर आप उस तरह से इमिग्रेशन नहीं है जैसा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की होती है। लेकिन अगर कोई जॉब अप्लाई करना चाहे इररिस्पेक्टिव के इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन जॉब अप्लाई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? जॉब तो जॉब बोर्ड्स हैं जैसे नॉर्मली होता है, आप वहाँ से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत कम कंसिडरेशन होती है ऐसे लोगों की जो बाहर बैठे, अनलेस कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो या आपके ऑलरेडी कनेक्शन हो, मुश्किल होता है कि वहाँ से बैठ के जॉब मिले। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो दुबई से या कराची से, पाकिस्तान से जॉब लेके यहाँ पे आए, मोस्टली जो होते हैं वो इंटरनल कंपनी ट्रांसफर्स होते हैं या फिर बहुत स्पेसिफिक प्रोफाइल होती है जिनको स्पेसिफिकली अप्रोच किया जाता है, वो भी प्रीवियस मार्केट में। अभी इस मार्केट में तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन तरीका वही है, आप लिंक्डइन में जाएं, सर्च करें कंपनीज को जो बेस करती हैं डबलिन के अंदर, जो आयरलैंड के अपने जॉब बोर्ड्स हैं उधर जाएं और जॉब पे अप्लाई करें। जब आपको जॉब ऑफर आ जाएगा और वो कंपनी रेडी होगी वर्क परमिट इशू करने के लिए आपकी आपके लिए, उसके बाद आप वीजा लगवा सकते हैं। बेसिकली ये वर्क परमिट का प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, ये वीजा और वर्क परमिट का प्रोसेस एम्प्लॉय ने ही करना होता है, बेसिकली कंपनीज फैसिलिटेट करती हैं, लेकिन आपको जॉब ऑफर चाहिए।
अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। राइट, और अब बात करते हैं इसकी टेक ले ऑफ की, और क्या सिचुएशन है टेक सिचुएशन मतलब इंडस्ट्री की ओवरऑल, क्योंकि लास्ट ईयर भी ले ऑफ्स हुए थे, उससे पहले भी हुए थे, वो थोड़ा सा एक्सपेडाइट भी किया अमेज़ॉन, गूगल, हर और इवन ये एक्स प्लेटफॉर्म और मेटा, सब नहीं किया, तो अभी क्या सिचुएशन है इस वक्त? आई थिंक मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो मुझे कोई बता रहा था कि इस वक्त डबलिन में 5 से 7 हज़ार बंदा CV लेके बैठा हुआ है, और ये सारा वो बंदा है जो एक्स गूगल है, एक्स फेसबुक है, जो क्रीम है टेक इंडस्ट्री, वो सारी यहाँ पे इस वक्त जॉब देख रही है। अभी भी टिकटॉक और यूट्यूब भरा हुआ है ऐसी वीडियोस से जो कि लोग 6 महीने पहले ले ऑफ हुए थे और अभी तक वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, और वो ओपन है कि वो अपने से जो लेवल डाउन करके भी जॉब ले लें या सैलरी कम करके भी जॉब ले लें, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं है। इतनी बुरी इस वक्त मार्केट है स्पेसिफिकली टेक की, और ये स्टार्ट बेसिकली मेरी जो लॉजिक है उस हिसाब से स्टार्ट हुआ है ट्विटर से ही। ट्विटर में आके एलन मस्क ने 85% जो है वर्कफोर्स को निकाला था डिफरेंट फेजेस में, लेकिन तकरीबन 85% लोग निकले थे, और उसके बाद उसको जो है फॉलो किया डिफरेंट टेक कंपनीज ने, फेसबुक ने भी, गूगल ने भी, अमेजोन ने भी, और उधर भी हजारों की तादाद में लोग निकले, तो वो सारा मिल के जो है मार्केट इस वक्त जो है बिल्कुल भी आइडियल नहीं है और बहुत ही ज्यादा सेचुरेट हो गई है। अगर जॉब्स ऐसा नहीं है कि जॉब्स अभी भी नहीं निकलती, जॉब्स अभी भी आती हैं, लेकिन उनमें हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, और उनमें ऐसा भी है कि कोई मैनेजर लेवल की जॉब है या एसोसिएट मैनेजर लेवल की जॉब है, लेकिन डायरेक्टर लेवल का फेसबुक का बंदा उस पर अप्लाई कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो जॉब देख रहा है। नहीं, अच्छा मुझे एक और चीज पूछनी है इसके अंदर, अगर कोई स्टूडेंट आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो हैं वहाँ पर अच्छी, तो अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसके लिए कोई पाथवे है या उसके लिए भी कोई नहीं है, मतलब वही स्टूडेंट्स का पाथवे यहाँ पे अच्छा है। ज्यादातर लोग जो आते हैं वो स्टूडेंट्स बेसिस पे ही आते हैं, इसीलिए जॉब की बेसिस पे जो मैंने कहा कि जॉब पे आना मुश्किल होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि जॉब की बेसिस पे कोई आपका वर्क परमिट निकाले और आप आ जाए, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बैचलर्स करने या मास्टर्स करने आते हैं, वो पाथवे ओपन है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं और जो जो वीज़ा है वो भी लग जाते हैं, उसमें ज़ाहिर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं, एक प्रोसेस होता है लंबा, चीज़ें हर चीज़ यहाँ पे स्लो है, तो वीज़ा प्रोसेस तकरीबन 6 महीने से साल ले लेता है, और जो है आपने बहुत पहले से उसकी तैयारी करनी होती है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा आई थिंक आयरलैंड के लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसी के थ्रू ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। मैं प्रोफेशनल्स को भी जानता हूँ जो जॉब कर रहे थे लेकिन यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री लेके मास्टर्स का एडमिशन लेके आ गए और यहाँ पे फिर आके उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। वो प्रोसेस लंबा होता है, वो फिर 5 साल का नहीं होता, वो जो है उनकी डिग्री का टाइम, उसके बाद उनको जो वीज़ा मिलता है वो स्टैम्प 1 या 4 नहीं मिलता, उनको कुछ और मिलता है, फिर वो 3 साल उसमें लगाते हैं, फिर स्टैम्प 1 पे आते हैं जिसपे मैं पहले आया था, फिर वो उसके बाद स्टैम्प 4 पे 2 साल के बाद जाते हैं, तो उनका जो प्रोसेस है वो 8 से 9 साल का हो जाता है ओवरऑल। हाँ, लेकिन उसके अंदर अगर फर्स्ट करें हमने बैचलर्स या मास्टर्स कर लिया और, तो उसके बाद वो जो वर्क परमिट होता है वो इजिली मिल सकता है, जॉब देंगे जॉब मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आइडियल जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जॉब ऐसी मिल जाएगी कि आप यहाँ पे स्टे कर सको, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइल भी कर देंगे वर्क परमिट। हाँ, और क्योंकि यहाँ पे आप जाके देखो हर दुकान के ऊपर लिखा हुआ होता है वी आर हायरिंग, वी आर हायरिंग, तो जॉब्स हैं लेकिन उस लेवल की या जो जिसको आप कहें कि जो सर्विसेज वाली जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आके इजीली अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छा एक प्लाट, मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स भी मैं नहीं देखता जाते हुए, ज़्यादातर लोग कनाडा देख रहे होते हैं, US तो खैर देख ही रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे होते हैं, इवन UK देख रहे होते हैं, लेकिन आयरलैंड का मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि वो आयरलैंड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत पहले ज़माने में होता था, नीचे ही रहती है आयरलैंड की प्रायोरिटी, कमी होती है। अभी भी मैं किसी से मिला था तो वो बच्चा भी मुझे ये बता रहा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, एडमिशन नहीं मिला तो आयरलैंड आ गया, तो आयरलैंड की प्रायोरिटी आई थिंक सबके लिए नीचे ही रहती है। अच्छा अच्छा सही, तो अच्छा अब यहाँ पर अगर आ जाएं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर कंपेयर करें मेन सिटीज लाइक लंदन से तो ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी मेजर सिटी से कंपेयर करें UK के या दुबई से कंपेयर करें तो क्या क्या सिचुएशन है इस वक्त?
जब मैं इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि हम दुबई को हमेशा कहते हैं कि बहुत महंगा है, महंगा है और लग्जीरियस है, लेकिन दुबई ऐसे ही बदनाम है, दुबई तो महंगा है ही नहीं। आप आए जब लंदन या आप आए डबलिन, तो आपको पता लगेगा असल महंगाई क्या है। असल में अब डबलिन में रहने के बाद मुझे हर जगह सस्ती लगती है। मैं भी इटली में था लास्ट वीक, बहुत सस्ती लगी। मैं ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर गया हुआ था, महीना डेढ़ महीना वहां रहा हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया ऐसा सस्ता लगा जैसे मैं हाफ हो गई मेरी हर चीज की प्राइस। कौन से तो सिटी में? ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में, अच्छा तो हाँ, तो मुझे डबलिन में रहने को, डबलिन बहुत महंगा है, डबलिन स्पेशली रेंटल प्राइसेस जो घर की है, उसके बाद जो आपकी जो हर चीज ही बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो भी चीजें आती हैं वो सारी ही तकरीबन, कंपेयर करें आप दूसरी किसी भी सिटी से, लंदन से ना करें और न्यूयॉर्क से ना करें, इन दो के अलावा आप किसी से भी करें तो आपको लगेगा कि डबलिन ही महंगा है सबसे। मुझे अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो मैं सोचूं कि डबलिन में मुझे सस्ती मिल रही है कंपेयर टू व्हाट आई वाज पेइंग फॉर द सेम थिंग इन दुबई, ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी तक। इवन रेंट्स के अंदर भी इसी रेंट्स तो तरह से है। बहुत ज्यादा है, बहुत महंगे रेंट्स हैं इस वक्त। एक तो बेसिकली यहाँ पे आपने अगर सर्च किया हो तो यहाँ पे एक आइलैंड में एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, बेसिकली घर है ही नहीं और घर जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको घर मिलते ही नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आओ और इमरजेंसी में आपको आना पड़ गया और आप बोल रहे हो कि मुझे घर चाहिए फॉरन, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपको नहीं मिलेगा घर, आपको होटल में जाना अच्छा, पड़ेगा। आपको इतना बड़ा जैसे क्राइसिस है। दुबई, दुबई में होता है ना कि रियल एस्टेट वाले आपके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, यहाँ पे लोग रियल एस्टेट वालों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि घर नहीं है बेसिकली, और जो है वो इंतहाई महंगे। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो आपको जो मिनिमम मिलेगा अब वो 2,500 यूरो का मिलेगा, तो और मैं इस वक्त उससे ज्यादा ही दे रहा हूँ। तो अगर आप उसको कंपेयर करो दुबई से या इवन इस मार्केट से तो बिल्कुल भी वो जस्टिफाई नहीं होता, तो मैनेजेबल ही नहीं होता। हम लोग हाँ चलें फिर भी मैनेज कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो मैनेजेबल ही नहीं है, और ज्यादातर लोग शेयर करके रह रहे हैं, मतलब 2 फैमिलीज एक घर में रह रही हैं फॉर एग्जाम्पल, 2,500 यूरोज जो हैं वो तो 10,000 उसका दिरहम हो मतलब जाएगा तकरीबन। तकरीबन 10,000 दिरहम। ओके, 2 बेडरूम। और ये अच्छा, वर्क वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन तो खैर एक्स में तो होगी नहीं। वो हाँ, वो पहले वर्क फ्रॉम होम ही था लेकिन आके उसने पहले पहला ऑर्डर ही ये पास किया था कि ऑफिस बंद, तो हम सब ऑफिस चले गए थे वहाँ ऑफिस से गए तो, थे। वहाँ तो सिचुएशन ही नहीं है। ओके, तो 10,000 दिन तो यार महंगा है। उसके लिए तो मतलब आना जाना, कम्यूट करना, ये तो रखना पड़ेगा। और मतलब ये वाकई, क्योंकि इतना तो मैंने कनाडा में भी जो लोगों से बात करता हूँ तो वहाँ पर भी इतना महंगा नहीं है। मतलब डाउनटाउन के अंदर शायद हो इतना ज़्यादा, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं इससे कम के अंदर नहीं, ईज़िली। डबलिन में हाउसिंग क्राइसिस एक आई थिंक ग्लोबल फिनोमेना है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि डबलिन में आई थिंक सबसे बड़ा हाउसिंग क्राइसिस है इस वक्त, और उसकी वजह से काफी पॉलिटिकल चीजें भी होती रहती हैं यहाँ पे, जैसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं क्योंकि आयरलैंड आयरिश लोग खुद बोलते हैं कि हमारे लिए लोग घर नहीं है, और फिर एक्सपैट्स आ रहे हैं और रेफ्यूजीज आ रहे हैं और यूक्रेनियन आ रहे हैं, उनको घर दिए जा रहे हैं, तो वो काफी पॉलिटिकल सिचुएशन में यहाँ पे उसकी वजह से काफी खराब हो जाती है कभी कभार, लेकिन हाउसिंग क्राइसिस इज अ मेजर इशू। तो जो भी लोग नए आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स तो स्पेशली वो आके शेयरिंग ही करते हैं, जैसे दुबई में नहीं होता एक रूम में 4 लड़के रह रहे हैं, उसी तरह से होता है शेयरिंग, तो स्टूडेंट्स में तो शेयरिंग ही है, वो कभी भी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि वो अपना रूम भी ले लें, घर लेना तो दूर की बात है, लेकिन जो लोग काम पे भी आते हैं वो भी मोस्टली फैमिलीज को भी मैंने देखा है कि वो शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक एक फैमिली उस पूरे घर को 1 बेड को या 2 बेड को ले नहीं सकती। तो मैं, ये तो यार वो बाकी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्कूलिंग वगैरह बहुत सारी फ्री है। स्कूलिंग फ्री है जिसमें जो 2 तरह के स्कूल होते हैं यहाँ पे, एक बेसिकली आयरिश स्कूल होते हैं जो कि कैथोलिक स्कूल होते हैं, और एक एजुकेट टुगेदर करके उन्होंने सिस्टम बनाया है जिसमें वो सारे एक्सपैट्स को और सबको मिला के उन्होंने बनाया कि उसमें कोई कैथोलिक बात नहीं होती है, उसमें कोई सारी न्यूट्रल बातें होती हैं, और वो उसको बड़ा फ्री रखा हुआ उन्होंने, तो हमने अपने बच्चों को उधर कराया हुआ है, वो दोनों वहां जाते हैं, लेकिन है वो दोनों सिस्टम्स फ्री। अच्छा, और सिचुएशन वो वाली क्या है जो कि कनाडा में काफ़ी सुनते हैं? अगेन वो बहुत सारे कमेंट करना शुरू कर देंगे एलजीबीटी वगैरह की। वो सिचुएशन आयरलैंड में कैसी है? अभी उतनी नहीं है आई थिंक हम बच, अच्छा। हाँ अभी उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है यहाँ पे और इतना ज्यादा हमने अभी तक नोटिस भी नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली है तो, और अगर मैं कभी मैंने सोचा वापस जाने का तो वन ऑफ द रीजंस ऑन टॉप वुड बी दिस यूरोप, क्योंकि राइट। यूरोप में जनरली है ना, अगर आयरलैंड में नहीं भी है तो वो आएगा इवेंचुअली। राइट। तो बाकी हेल्थ केयर का क्या सिचुएशन है? हेल्थ केयर तो आई थिंक सारे यूरोप की ही खराब है, और अच्छा। यहाँ पे भी हम दुबई से आए तो जमीन आसमान का फर्क दिखा हमें,
और वही आप इमरजेंसी में जाओ तो 1.5-2 घंटे के आपको वेटिंग टाइम होता है इन ऑन एवरेज, और कोशिश यही होती है कि ना ही जाना पड़े। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ा, लेकिन आपको अगर जीपी का अपॉइंटमेंट लेना है, आपको आप स्पेशलिस्ट के पास तो जा नहीं सकते, आई थिंक कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ही है, आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा इसी तरह सकते, है। आपने जीपी के पास जाना है और जीपी का अपॉइंटमेंट मिलेगा हफ्ते के बाद, तो तब तक तो आपका बुखार उखार वैसे ही उतर चुका हुआ होगा। तो वही वही सिस्टम है यहाँ पे भी, कंपेयर करें दुबई से तो बहुत ही खराब है, लेकिन अगर आप फिर भी कंपेयर करें कराची से तो हम कहेंगे थोड़ी बेहतर ही है। हाँ सही सही। और वेदर कैसा है? हम लोग आए थे सितंबर में, उस वक्त था सितंबर 2022, तो उस वक्त फुल सर्दी शुरू हो रही थी, और हमारे लिए वो ऐसा चेंज था जैसे 40 डिग्री से आप 4 डिग्री में आ गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज था। जो मेरा छोटा वाला है वो तो उसने 6 महीने जैकेट ही नहीं पहनी, वो तैयार ही नहीं था कि जैकेट पहनूंगा, वो ऐसी एक टी शर्ट में जाता था स्कूल, तो बड़ी अच्छा। मुश्किल हुई शुरू में, लेकिन मौसम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे जो सर्दी होती है सितंबर से स्टार्ट होती है और वो फरवरी तक बहुत ठंड रहती है, और वो ऐसी ठंड होती है कि उसमें सर्दी भी होती है, बारिश भी हो रही होती है और विंड वाली बारिश हो रही होती है, तो आप बाहर जा ही नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सारे काम हो रहे होते हैं, सारे ऑफिसेज खुले हुए होंगे और सारे सब लोग सारे काम कर रहे होंगे, तो आपको उसको यूज टू होना पड़ता है लाजमी, वरना आप उसमें इसमें जेल नहीं कर सकोगे। तो हमने ऑब्वियसली हम जिस टाइम पे आए वो ऑलरेडी इतना सख्त टाइम था कि हम जल्दी उसको गो थ्रू कर गए, और जब मार्च अप्रैल में तक गर्मियाँ आई फिर हमें गर्मियाँ बहुत अच्छी लगी थी। आई थिंक मुझे पर्सनली यहाँ की समर बहुत अच्छी लगी, इस साल भी अभी भी समर चल रही है, और जो सर्दी है ऑब्वियसली अगर आप उसको मैनेज कर लो किसी तरह कि आपने कैसे गुजारनी है, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि जब पीक सर्दी आती है दिसंबर जनवरी की तो वो ट्रैवल कर जाते हैं, वो बैक होम चले जाते हैं या वो दुबई चले जाते हैं ताकि वो मैनेज कर लें, अगर आप उसको मैनेज कर लो तो फिर यहाँ पे साल आपका अच्छा गुजर सकता है। और अब वो उस पॉइंट पर आते हैं जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है, फाइनेंस का, पर्सनल फाइनेंस का। कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं कभी दुबई में रहते हुए, या अब यहाँ पर कुछ चल रहा है, थोड़ा सा या सारवा क्या क्या ऑप्शंस हैं आयरलैंड में? नहीं, आयरलैंड में अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सारवा के साथ थोड़ा सा है मेरा अकाउंट खुला हुआ है, और दूसरा अच्छा, दुबई दुबई का वीज़ा तो कैंसिल करवा लिया होगा, लेकिन ये अकाउंट्स वगैरह चल रहे हैं? नहीं, दुबई का वीजा कैंसिल करा दिया था, अकाउंट चल रहा था लास्ट ईयर तक, वो अब बंद हो गया तो उसको मैंने खाली कर दिया था। दुबई में मेरी प्रॉपर्टी थी टाउन हाउस में निशामा में, वो मैं बेच के निकला था वहां से, 3 बेड का एक अपार्टमेंट था कब जहाँ, लिया था वो? सॉरी कब लिया था वो? वो मैंने लिया है कोविड में 2018। अच्छा, फिर प्रॉफिट में ही बिका होगा। हाँ, वो सही मुझे प्रॉफिट देके गया, इसीलिए मैंने बेच भी दिया, शायद बेचता भी नहीं मैं अगर वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा होता, तो उसका मॉर्गेज खत्म कराया, उसको उसको सेल ऑफ किया, तो प्रॉफिट ही देके गया, और प्लस 3 साल 3.5 साल में उसमें रहा था, तो वो रेंट वेंट भी बच गया मेरा, तो काफी मुझे वो पूरी ट्रांजेक्शन काफी अच्छी पड़ी थी। उस वक्त प्लान ये था कि मैं यहाँ आ जाऊंगा और यहाँ ले लूंगा कुछ उन्हीं उन्हीं पैसों से जो प्रॉफिट मेरा आया था, फिर उसके बाद आके वो कुछ प्लान चेंज हो गए और मैंने नहीं लिया यहाँ पे। यहाँ पे अभी प्लान यही है कि 5 साल मैं रेंट पे ही रहूंगा, लेकिन वहां पे दुबई में वो उस प्रॉपर्टी को खत्म किया और सारा फिर यहाँ पे ओवरऑल मूव करा दिया, तो दुबई में अब कुछ नहीं रखा, मेरा एक अपार्टमेंट दुबई में था वही जो मैंने निशामा का बताया, और एक अजमान का था जो ओरियंट टावर है या कार का उसका, वो भी मैं सेल ऑफ करके ही निकला था, मैं दोनों दोनों को खत्म करके निकला था। जब निकला था उस वक्त माइंड सेट ये था कि वाइंड अप करके निकल रहा हूँ, लेकिन फिर आने के बाद थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ कि शायद वापस जाएंगे, लेकिन अभी तो 2 साल हुए ना, तो अभी टाइम गुजर इन जाएगा, सालों तो का फिर थोड़ा रहता है। सा। हाँ ना। हाँ और सही इन सही साल सही में सही। काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, यही मैं भी जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो यही होता है कि जब मैं आया था उस वक्त माइंड सेट डिफरेंट था, अभी डिफरेंट है, हो सकता है 3 साल बाद और डिफरेंट हो, हाँ तो नहीं, चेंज हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो अभी फीलिंग आ रही है ना, लेकिन जब बंदा रहने लगता है, 4-5 साल गुजार लेता है, तो फिर उसमें कुछ नहीं कह सकते, चीज़ें भी चेंज हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो वो नहीं कह सकते। अच्छा यार, ज़बरदस्त। तो एक नया पर्सपेक्टिव है लोगों के लिए कि अगर मतलब कभी भी, मैंने तो एटलीस्ट अभी तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने जॉब अप्लाई की हो आयरलैंड के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऑप्शन हो सकता है किसी को अगर जाना हो। तो अभी मैं समझता हूँ कि आयरलैंड के, मैंने एटलीस्ट एक चीज़ ये भी होती है ना कि मुझसे एक डॉक अली होता है, उससे मेरी पॉडकास्ट हो रही थी, तो मैंने उससे बात की थी, तो वो कह रहा था कि यार मेरा, मैं वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वो है एक्टिव, टिकटॉक पे भी एक्टिव है, यूट्यूब पे इतना नहीं है। तो वो यूके अभी रिसेंटली मूव हुआ था जॉब के ऊपर, तो कह रहा था कि यार मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली और मैं अंदर गया हूँ अपना हॉस्पिटल में वापस,
तो मेरे जितने भी कुलीग्स थे वो कह रहे थे तुम इंस्टाग्राम के ऊपर भी हो, ये हमें पोस्ट नज़र आ रही है, मतलब किसी को भी नहीं उसने बताया था। तीसरा या चौथा दिन था वहाँ पर, तो वो हैरान कि यार ये कैसे हुआ। तो फिर मुझसे वो पूछ रहा था कि यार ये कोई यूट्यूब पे, वो परेशान था कि यूट्यूब उसका नहीं चल रहा था ज़्यादा उस ज़माने में, तो उसको ये हो रहा था कि शायद ये लोकेशन की वजह से हो रहा है कि मैं यूट्यूब की वीडियो, मेरी मेरा जो एडिटर है वो पाकिस्तान से अपलोड कर रहा है, तो हो सकता है उस वजह से ना लोगों को दिख रहा हो, लेकिन इंस्टाग्राम वाले तो फ़ौरन यहाँ पर लोगों को पता चल गया। तो मैंने उसको उसी वक्त बोला था कि ये टिकटॉक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ये लोकेशन बेस्ड ज़्यादा होता है कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब ऑडियंस बेस्ड होता है, तो वो जहाँ की भी ऑडियंस आ रही होगी वो उसको पकड़ लेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो के जो तुमने बातें की हैं कि टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर चीज़ें चल रही होंगी, वो मेरे मुझ तक तो नहीं पहुंची, जिसके अंदर आयरलैंड के इश्यूज जो होंगे वो प्रॉबेबली लोकलाइज होंगे। तो वो इस तरह की कोई कंटेंट बनाने का प्लान नहीं है, मतलब तुमने कहा था कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाने का है कि कुछ करना चाहिए उसमें। असल में कंटेंट क्रिएशन का प्लान है, यूट्यूब ही करने का प्लान है बेसिकली, और जो मेन नीच रहेगी वो बेसिकली करियर एडवाइस या करियर टिप्स करके ही रहेगी, जो यंगस्टर्स हैं डिजिटल मीडिया में स्पेशली आना चाहते हैं या टेक में स्पेशली आना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि टेक में कैसे जाना है और बेसिकली इन कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है। स्पेशली अगर आप जैसे गूगल का प्रोसेस आप देखो, जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो इट्सेल्फ एक डिग्री है, अगर आप उस इंटरव्यू प्रोसेस से गो थ्रू करो और उसको सीखना शुरू करो तो आपको शायद ज़्यादा पढ़ना पड़े कम्पेयर टू आपने 4 साल डिग्री के लिए जितना पढ़ा। तो उससे रिलेटेड कंटेंट बनाने का इरादा तो है और होपफुली जल्दी उसको स्टार्ट करूँगा। अच्छा मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग तुमने ये बात की है। मेरा एक दोस्त है बहरोज, मैं उसके साथ अक्सर पॉडकास्ट करता हूँ, और उसका मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि उसके चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी अगर नई वीडियो डालता है ना तो उसके ऊपर हार्डली व्यूज़ आते हैं 100, 150, 200, 300, 400 एट मैक्स, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। लेकिन कुछ उसकी वीडियोज़ हैं जो पीछे अगर तुम उसको देखोगे ना, सर्च बाय लेट्स से नॉट सर्च बाय सॉर्ट बाय व्यूज़, तो कुछ वीडियोज़ 2.5 लाख 3 लाख व्यूज़ के ऊपर हैं, और वो सारी की सारी वीडियोज़ हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, क्योंकि वो PNG का CFO था पाकिस्तान के अंदर। तो उसको कुछ ट्रेनिंग्स भी मिली हुई हैं PNG के थ्रू के हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर किस तरह से टेस्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो उसने जो वीडियोस उस पर बनाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा व्यू की जाती हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि उस पर काफ़ी इंगेजमेंट भी मिलती है, बाकी कुछ भी कर ले उसको व्यूज़ नहीं मिलते। लेकिन कैन यू इमेजिन कि उसकी नई वीडियोज़ को जो अपलोड करता है 100, 200, 300 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वो इस वक्त मल्टीपल सोर्सेज से $6,000 बना रहे हैं, ऑलमोस्ट $6,000। जस्ट हाउ, मतलब कैसे वो, एक तो ये कि अपने वन ऑन वन कंसल्टेंसी करता है, तो उसके अंदर $100 है मेरे ख्याल से चार्जेस उसके हाफ एन आवर के, वो करता है। प्लस ये कि उसको कुछ एफिलिएट्स मिल गए हैं जो कोर्स प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं या टेस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वो जो भी वीडियोस करता है उसके अंदर अगर अपने नीचे एफिलिएट डालता है तो मेरे ख्याल से $1,500-2,000 तो वो उसी से बना लेता है, जस्ट बिकॉज लोग उसके साइनअप करते हैं उसके लिंक से, तो वहाँ से बनते हैं। प्लस ये कि उसने अब क्या किया है कि अपनी जो पुरानी वीडियोस थी जो कि चलने वाली वीडियोस थी उनको मेंबर्स ओनली कर दिया है, तो वो $25-30 जो है ना वो पर मेंबर देने होते हैं, और लोग इतने लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई 20 या 25 मेंबर्स हैं उसके इतने छोटे चैनल के। तो मैं ये कहता हूँ कि यार जो बंदा भी, जिसने भी कोई स्किल्स ले ली है ना या जिसने भी काम कर लिया है, इफ़ यू आर अप्रोचिंग 40 अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपको जो है ना अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, दूसरों को पहुंचाना चाहिए, और ऑटोमेटिकली उससे आपको जो है ना मोनेटाइजेशन हो जाएगी। मतलब बहुत आसान है आजकल के ज़माने में अपने पैशन को मोनेटाइज करना। उस बंदे ने, और मैं और भी लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, वो कहते हैं ना यू ओनली नीड 1,000 ट्रू फैंस टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आपको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, आपको थोड़े से लोग चाहिए जो कि आपको देखना शुरू कर दें, वो क्वालिटी ऑडियंस होनी चाहिए, और ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबको बोलता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, और पर्सनल ब्रांडिंग के साथ जो चीज़ आपको समझ में, ये जो तुमने बात की है तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि मतलब किस तरह से गूगल में हायरिंग होनी है या लेट से बाकी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनमें कैसे हायरिंग करनी, ये ऐसी नीच है मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई कॉन्टेंट बना हुआ है इस वक्त। हाँ, स्पेशली पाकिस्तान वालों के लिए या उर्दू में तो स्पेशली कुछ है ही नहीं। कुछ हैं यूट्यूब के चैनल्स जो कि US में हैं और वो US वालों को ही टारगेट करके गूगल में या फेसबुक की हायरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू टिप्स देते हैं, और वो भी सब पेड है, वो बेसिक वीडियो बनाते हैं उसके बाद वो रीडायरेक्ट करते हैं, साइन अप कराते हैं। लेकिन यूट्यूब पे कॉन्टेंट स्पेशली हमारे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि यार इस पे बिल्कुल बंदे को आना चाहिए, थोड़ा मुश्किल होता है यूट्यूब, मतलब उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत एफर्ट लगती है,
ख़ास तौर पे अगर यंग फैमिली है तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेकिन जब करने लगते हैं, जब आपको फीडबैक मिलती है, आपको लोग मिलते हैं, नज़र आते हैं बाहर, और वो आपको प्रेस करते हैं कि यार थैंक्स, आपने, आपकी वजह से ये हो गया, वो हो गया, मतलब मैंने कुछ लोगों को मिला, उन्होंने कहा मेरी लाइफ चेंज हो गई कुछ वीडियोज़ से आपकी वजह से, मतलब बहुत बेसिक बेसिक मिस्टेक्स लोग कर रहे होते हैं, तो उससे बड़ा मज़ा आता है वो सुनकर, वो बातें देखकर, लोगों की लाइफ चेंज करते हुए। तुम्हारी अगर लेट से कोई बंदा किसी को जॉब दिलवा देता है अपनी वीडियो से, बहरोज़ को, बहरोज़ नाम है उसका, वो जी कह रहा था कि यार लोग सुपर फ़ैन वैसे ही मुझे देने लगते हैं, मतलब सुपर लाइक्स और सुपर फ़ैन जो यूट्यूब के होते हैं, जी जस्ट आउट बिकॉज उनको जो है ना लगता है कि उन्होंने कोई वैल्यू ली है उसकी वीडियो से। तो आई वुड डेफिनेटली इनक्रेज कि उसमें करो। चलो यार, ज़बरदस्त, नाइस नोइंग यू, और अगर कोई आखिर में कोई बात हो तो कह दो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके आपके चैनल मैंने जब देखना शुरू किया, ऑब्वियसली इट्स ओवरऑल द टॉपिक ऑफ योर चैनल रेजोनेट्स वेरी क्लोजली विद मी। तो आई थिंक यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड विल बी इन टच मोर मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। मैं तुम्हारा लिंक्डइन का, जो तुम्हारा लिंक्डइन काफ़ी अच्छा है, मैं देखा था उसके लिंक्डइन, ऊपर भी। हाँ लिंक्डइन चलता है उसमें, उसी की वजह से जो मेरा जो फोकस है वो थोड़ा सा इंटरव्यू टिप्स या करियर इन टेक का इसीलिए है कि काफी लोग अप्रोच करते हैं जो कि समझना चाहते हैं कि करियर को कैसे अपना उस तरफ लेके जाएं कि दे एंड अप इन टेक बेसिकली। तो उधर ही से वो इंस्पिरेशन आया कि क्योंकि लिंक्डइन ऑलरेडी इज वर्किंग क्वाइट वेल फॉर मी। थैंक ज़बरदस्त, चलो यार, थैंक यू वेरी मच, फिर बात यू करते हैं। सो मच। थैंक यू। सलाम ओके, वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम।